G20 को लेकर जो बड़ी खबर है वो आपको बताते हैं। G20 ड्राफ्ट में प्रधानमंत्री मोदी का बयान शामिल किया गया। उज़्बेकिस्तान में समरकंद में जो प्रधानमंत्री ने बयान दिया था SCO के दौरान, आपको याद होगा उन्होंने कहा था आज का युग युद्ध का युग नहीं है। अब जो G20 सम्मेलन हो रहा है इसमें जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, इस ड्राफ्ट में मोदी की पहल पर मोहर लग गई है। सदस्य देशों ने ड्राफ्ट को स्वीकार किया है और इसमें प्रधानमंत्री की वो बात, वो बयान शामिल किया गया जो उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है। रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया चिंतित है और इस बीच प्रधानमंत्री का बयान G20 के ड्राफ्ट में शामिल। G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। G20 को अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने संबोधित भी किया और कहा कि जिस तरह से विश्व आर्थिक संकट से गुजर रहा है, खाद्य को लेकर संकट है, ऊर्जा को लेकर एक संकट है, शांति और सौहार्द को लेकर एक दृढ़ निश्चय करना होगा। G20 के इस मंच को दुनिया को दिखाना होगा शांति और सौहार्द के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। इंडोनेशिया के बाली में इस बार का G20 सम्मेलन, जहां से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, मोदी नीति से क्या रुकेगा युद्ध, ये बड़ा सवाल है क्योंकि G20 के ड्राफ्ट में प्रधानमंत्री के बयान को शामिल किया गया है। उज़्बेकिस्तान में समरकंद में जो SCO समिट हुई थी उस दौरान प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी, प्रधानमंत्री ने कहा था कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है, इसे ड्राफ्ट में शामिल किया गया इस बयान को। ब्रह्म प्रकाश मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। ब्रह्म प्रकाश, जो बात समरकंद में प्रधानमंत्री ने कही वही बात G20 के ड्राफ्ट में भी शामिल की गई है, आज का युग युद्ध का युग नहीं। बिल्कुल विशाल, देखिए अभी कुछ देर पहले विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने यही जानकारी दी है, यही बात कही है कि जब ड्राफ्ट फाइनल हो रहा था तो दोनों वेस्टर्न देश या कहें यूरोपीय देश और अमेरिका और बाकी देशों के बीच मतभेद थे ड्राफ्ट फाइनल करने को लेकर, लिहाजा उस जगह पर उस बात का जिक्र किया गया जब जो बात भारतीय प्रधानमंत्री ने कही थी और भारत की तरफ से कहा गया वही बात कही गई तो सारे देशों के बीच जो मतभेद थे उसको लेकर दूर हो गए और ये कहा गया कि ठीक है इस बात को ड्राफ्ट में रखना चाहिए कि दौर युद्ध का नहीं है, शांति का है और उसके बाद जो है ड्राफ्ट पर आम सहमति बनी। तो आप देखिए कि भारत की तरफ से किस तरह से की रोल प्ले किया गया, किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये बात खुद विदेश सचिव ने भी बताई कि किस तरह से उस मंच पर भारत ने अपनी भूमिका अदा की है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता दूं कि आज भारत को प्रेसिडेंसी सौंप दी गई है G20 की और प्रधानमंत्री ने एक बड़ा वादा किया है आज G20 के मंच पर कि किस तरह से पूरी दुनिया जो है डिजिटल डिवाइड रूप से डिवाइडेड है, एक तरफ गरीब देश हैं दूसरी तरफ विकसित अमीर देश हैं, वो डिजिटली संपन्न है। तो भारत की तरफ से भारत के पास जब प्रेसिडेंसी आई है तो भारत पूरी दुनिया में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। तीसरे सत्र के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही है पूरी दुनिया से कि भारत के पास अध्यक्षता रहेगी, उसके बाद भारत पूरी दुनिया को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, यानी गरीब देश जो विकासशील देश हैं जिनके पास इस तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की गति बहुत धीमी है, भारत उनको सपोर्ट करेगा, उनकी मदद करेगा। तो ये बात भी प्रधानमंत्री ने कही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि
इस बड़े मंच पर एक बात और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जिक्र किया है कि पूरी दुनिया इस कॉन्फ्लिक्ट के दौर में G20 के मंच की तरफ देख रही है, G20 की तरफ देख रही है, क्योंकि जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिस तरह से क्राइसिस चल रही है, जिस तरह से यूक्रेन संकट चल रहा है, उसके बाद सबकी निगाहें G20 के मंच पर हैं, क्योंकि देखिए इसमें G7 के देश भी शामिल हैं और दुनिया के तकरीबन 80% आबादी वाले तमाम 80% आबादी वाले सारे देश शामिल हैं। लिहाजा बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं इस मंच से, और आप इस बात को मानिए विशाल कि पूरी दुनिया ने भारत की हर बात को गौर से सुना है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विश्व मंच पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत की भूमिका किस तरह से बदल रही है विशाल। और साथ ही हमने जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो, और ये प्रधानमंत्री मोदी को अब G20 की प्रेसिडेंसी सौंप रहे हैं, उसकी तस्वीरें आपने देखी अब से कुछ देर पहले। जो बात अभी ब्रह्म प्रकाश ने भी कही कि G20 के ड्राफ्ट में प्रधानमंत्री के बयान को शामिल किया गया है, जिस बात का उन्होंने जिक्र किया कि G20 के ड्राफ्ट में प्रधानमंत्री का वो बयान शामिल किया गया है जो उन्होंने उज्बेकिस्तान में समरकंद में दिया था। ये देखिए, ये G20 का ड्राफ्ट और प्रधानमंत्री का वो बयान। प्रधानमंत्री ने कहा था कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है। रूस और यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने यह बात SCO में कही थी, SCO समिट जो कि उज्बेकिस्तान में समरकंद में हुआ था। उस दौरान प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी वो आज भी G20 में जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उस ड्राफ्ट में भी प्रधानमंत्री की बात को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री ने बड़े साफ शब्दों में कहा था कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है, युद्ध को रोकना होगा, बातचीत के जरिए, कूटनीति के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए मामलों को सुलझाया जाए, मसले सुलझाए जाएं, ये समय युद्ध का समय नहीं है। दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही है, दुनिया खाद्य संकट से जूझ रही है, दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही है, और ऐसे में युद्ध इन तकलीफों को, इन मुश्किलों को और बढ़ा रहा है। G20 के मंच से भी शांति और सौहार्द का संदेश प्रधानमंत्री ने दिया, और अब तो प्रेसिडेंसी G20 की भारत के पास है। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो प्रधानमंत्री मोदी को, भारत को G20 की प्रेसिडेंसी सौंपते हुए, ये वो तस्वीर है। और भारत इसके लिए क्या कुछ करेगा ये भी मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश बता रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश, एक तो ड्राफ्ट का जिक्र आपने कर ही दिया, दूसरी बात जो तस्वीर हमने अभी देखी जोको विडोडो जो कि प्रेसिडेंसी भारत को सौंप रहे हैं, यानी कि अब 1 दिसंबर से औपचारिक रूप से भारत के पास G20 की अध्यक्षता, इसके मायने क्या है और भारत इसके लिए क्या कदम उठाएगा, प्रधानमंत्री ने इसका भी जिक्र किया। बिल्कुल, देखिए तीनों सत्रों में प्रधानमंत्री ने जिस तरह से भारत की तरफ से जो बातें कही हैं वो एक बड़े परिदृश्य में कही हैं कि किस तरह से ना सिर्फ भारत ने अपनी तरक्की की बात की है बल्कि पूरी दुनिया किस तरह से एक साथ आगे बढ़ सकती है। आप तीनों जो अलग अलग सेशन में भारतीय प्रधानमंत्री ने बोला है उन सारे स्टेटमेंट्स को देखें तो इसमें तस्वीर बनती है कि भारत सबको साथ लेकर चलना चाहता है ताकि सबका एक साथ विकास हो। और एक बात और मैं विशाल आपको इसके साथ ही बता दूं कि अभी भारत की 6 देशों के साथ अभी भी द्विपक्षीय वार्ताएं होनी है प्रधानमंत्री की, जर्मनी, इटली, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, UK और सिंगापुर, शाम को सिंगापुर के साथ भी होगी। तो 6 देशों के साथ ये अलग से बातचीत होगी, लेकिन G20 की जो प्रेसिडेंसी मिली है इसकी जिम्मेदारी की बात करें तो आप देखिए, जैसा मैं कह रहा हूं कि इसमें दुनिया के वो 19 देश प्लस यूरोपीय यूनियन, यानी तकरीबन दुनिया की 80-85% आबादी जिन देशों में रहती है वो देश इसके सदस्य हैं। आप सोचिए कि ये कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और इन देशों के नेता जब नई दिल्ली में एक मंच पर होंगे अगले साल तो आपके पास कितनी जिम्मेदारी इस पर बढ़ जाती है कि तमाम देश जिसमें अमेरिका है, यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, तो ये तमाम देश हैं और एक मंच पर वहां जमा होंगे और भारत की प्रेसिडेंसी में वहां पर आएंगे। लिहाजा भारत के पास जिम्मेदारी बढ़ जाती है क्योंकि देखिए जिसके पास प्रेसिडेंसी होती है वो उसको ये सुविधा रहती है कि वो अपने लिहाज से अलग से कई देशों को आमंत्रित कर सकता है, जिस तरह से इंडोनेशिया ने किया है। यहाँ पर कई देश वो भी आए हैं जो मेंबर नहीं हैं, उनके नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था। तो भारत में भी इस तरह से भारत अपने जो मित्र देश हैं उनको और आमंत्रित कर सकता है। तो बड़ी इसी वजह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में वो उन देशों की आगे मदद करेगा भारत दुनिया भर में जो अभी पिछड़ रहे हैं, और ये बात उन्होंने 3रे सत्र में कही है। यानी आप देखें कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारतीय प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं वो पूरी दुनिया को एक साथ ये संदेश है कि भारत सिर्फ
अपनी तरक्की की नहीं सोच रहा है बल्कि सबकी तरक्की की सोच रहा है। एक बात और विशाल, अभी कुछ देर पहले जब हम विदेश सचिव से मैंने सवाल किया आतंकवाद को लेकर कि क्या भारतीय प्रधानमंत्री ने या इस G20 के मंच पर टेररिज्म का जिक्र हुआ है, जिस समस्या से भारत पीड़ित है, विदेश सचिव ने साफ तौर पर कहा कि जो डिजिटल वाला तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो तीसरा सत्र। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।